मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, तीन राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है, इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है।